ये जो व्लॉग है, अगर कोई आपसे कहे कि यार मुझे सी साइड पसंद है या मुझे फिशिंग के लिए जाना है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है 101%। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। इस बार का मेरा व्लॉग है साहेली पट्टी की तरफ का, मतलब टर्टल बीच, भिटकोरी, सुनहरी बीच, मुबारक विलेज। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि यार मुझे साहेली पट्टी पर फिशिंग करनी है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए 100% है। अगर आपको कोई कहे यार मुझे ऐसी जगह लेके चलो जहाँ का पानी साफ़ सुथरा हो, तो ये वीडियो आपके लिए 100% है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सितंबर के महीने में सफ़र कर रहा हूँ, बारिशें अपने उरूज पर हैं। आज 25 तारीख है, हो सकता है मैं ये वीडियो आज अपलोड कर दूँ या 2-3 दिन मज़ीद लग जाएँ। मैं अपने दोस्त के हमरा माड़ीपुर से होता हुआ सीधा पहुँचूँगा टर्टल बीच और वहाँ जाके ब्रेक लूँगा, लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बाइक्स को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। मुझे जो भी रास्ते में मुश्किलात पेश आएंगी, मैं आप लोगों से लाजमी ये वीडियो में शेयर करूंगा। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर योर काइंड सपोर्ट। मेरे सामने दुआ रेस्टोरेंट है, यहाँ पर ब्रेक लेने के बाद हम अपना सफ़र मज़ीद जारी कर देंगे। भाई आधा सफ़र हो गया, हमने दुआ रेस्टोरेंट पे ब्रेक लिया है अभी, इसके बाद फिर हम जाएंगे भिटकोरी, कुछ खा पी लें, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर चलते हैं। अच्छा, ये दुआ रेस्टोरेंट है, ये साहिब के साथ ही है। हाँ, अच्छा, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कम्प्लीट डिटेल के साथ। मेरा फर्स्ट टाइम आना होगा वैसे, बहुत अच्छी जगह है आपका फर्स्ट टाइम। ये देखें, इससे थोड़ा आगे जाके सीधे हाथ की तरफ एक रोड जा रही है जो अभी नई नई तामीर हुई है। ये रास्ता सीधा मुबारक विलेज की तरफ जाता है, जो कि रास्ते में आपको सुनहरी बीच पहले पड़ेगा, उसके बाद मुबारक विलेज और फिर भिटकोरी। तो चलिए आगे का सफ़र आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप, किस कदर खूबसूरत जगह है। दूर का पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं और साथ में बकरी चला रही बच्चे, बहुत ही अच्छा व्यू है माशाल्लाह। और मैं यहाँ आके मेरा मूड ही चेंज हो गया भाई, दिल ही नहीं कर रहा मेरा घर जाना, क्या मैं घर जाऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे माशाल्लाह माशाल्लाह। अरसलान भाई क्या कहेंगे आप, कैसी जगह है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? अरे भाई वहाँ की बनाए जरा, आप बाइक चलाते हो आप? भाई सामने का व्यू जो आ रहा है ना, सुभान अल्लाह कहने का दिल कर रहा है, इतना खूबसूरत व्यू है, आपको दिखाते हैं।
मेरे सीधे हाथ की जानिब सुनहरी साहिल मौजूद है, जहां पर मछेरे मछली का शिकार करने वालों को अपने साथ समंदर में लेके जाते हैं, क्योंकि समंदर मस्ती में आया हुआ है, जिसका मतलब है कि आज समंदर चढ़ा हुआ है, तो मछेरे एहतियात कर रहे हैं और अपनी कश्तियां साहिल पर ही खड़ी करके आराम फरमा रहे हैं। अगर बारिश की वजह से रास्ता ख़राब ना होता तो ज़रूर मैं आपको वहाँ पर करीब लेके जाता। तो चलिए आपको दिखाते हैं आगे का सफ़र। बारिश में इतना ख़तरनाक हो जाएगा ना, इतना ख़तरनाक हो जाएगा, ऐसे गाड़ी नहीं गुजर सकेगी, इनको काम करना पड़ेगा मशीनरी लगा के। हमें मुबारक विलेज पहुंचते पहुंचते शाम हो गई और मगरिब का वक्त करीब आ गया। अजानों की सदाएं दूर दूर से कानों में गूंजने लगीं, तो हमने फ़ैसला किया कि हम घर जाएंगे और कल मैं अकेला ही यहां आऊंगा, यानी कि भिटकोरी, जो कि सफ़र अभी मेरा बाकी है। मुबारक विलेज पे आपको अच्छा हट मिल सकता है, फैमिली के साथ आप रह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एसी वाला अभी तक कोई हट मुझे नहीं देखा। मैंने काफ़ी लोगों से पूछने की कोशिश की यार कि यहाँ पे कोई एसी वाला हट है अवेलेबल हो, अगर कोई बाहर से कोई आपकी फैमिली आती है या कोई आउटसाइडर आते हैं आपसे मिलने के लिए, आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार, तो आप उनको ले जा सकें। पानी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा है, साहिली पट्टी बहुत अच्छी है और इसके साथ साथ सुनहरी बीच से काफ़ी लोग कश्ती में बैठ के जाते हैं। अब काफ़ी लोग ये कह रहे होंगे हमें तो ये सारी बातें पता हैं, तो भाई ये आपके लिए नहीं है। जिन लोगों ने अभी तक का ये सफ़र नहीं किया हुआ वो जाएं, लाजमी इंजॉय करें, लेकिन अगर आपसे माहीगीर कहे कि भाई समंदर मस्ती में है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस जगह पर नहीं जाना है, शराफत से वापस आ जाइएगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई कहता है कि भिटकोरी पे भाई पिकनिक पॉइंट है, भिटकोरी पिकनिक पॉइंट बिल्कुल नहीं है, तो दिखाते हैं आपको ये वीडियो। ये साहिली पट्टी भिटकोरी है, जो मकानात आप बोसीदा हालत में देख रहे हैं, कहा जाता है ये 300 से 400 साल पुराने हैं। इतना ज़्यादा ऑफ रोड है कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक का मुझे ऑफ रोड टफ टाइम दिया है वो इस रोड ने दिया है भाई। एक्सट्रीम ऑफ रोड है यार यहाँ पे, लेकिन नज़ारा बहुत टाइट है क्योंकि सामने है चढ़ना आइलैंड। और ये देखें यार, 2 साल से लोग अपने घर नहीं गए, यहीं रह रहे हैं आसपास, मतलब क्या बात है यार, दिख रहा है भाई इन लोगों का अपनी शिप का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और ये बता रहे हैं कि भाई ये 200 साल से इनके आबा और अजदाद यहाँ पे मुकीम थे, अब ये माहीगीर का काम कर रहे हैं, माहीगीरी का, और कह रहे हैं कि 2 साल हो गए मैं घर नहीं गया हूँ क्योंकि ज़मीनों का यहाँ पर झगड़ा होता है, अगर जगह छोड़ी तो ज़मीन हाथ से चली जाएगी। ऐसे वो चढ़ना आइलैंड है सामने।
उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। साइनिंग ऑफ शुएब सिद्दीकी।